लर्न टू ट्रेड सीरीज के सेशन नंबर तेरह में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूं विवेक बजाज और मैं लगा हूं अनुपूर्णा जी को ट्रेडिंग सिखाने में और इस प्रोसेस में आप भी जुड़े हुए हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो थोड़ा हो सकता लंबा है लंबा टन जाए इस वीडियो को देखना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे तो अनुपूर्णा कैसे ऑलवेज प्पी टू सी दैट यू आर डूंगमवर्क प्रॉपरली दोस्तों अनुपुना मेरे साथ ही बैठती है और मैं देखता रहता हूँ आजकल वो कंप्यूटर में लगी हुई हैं लगी हुई हैं और मार्केट को बहुत अच्छे से ट्रैक करिएस्ट अच्छा वीडियो अच्छा so, में हम लोगों ने मूविंग एवरेज के बारे में बात की थी yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया mm -hmm. अब अब ट्रेडिंग व्यू में जब अपना चार्ट बना रहे याज में अपना चार्ट बना रहे

लाइन चार्ट right. अभी तक हमने कैंडलस्टिक डिस्कस नहीं किया हाँ मैं चाह रहा हूँ धीरे-धीरे चलेंगे कैंडलस्टिक डिस्कस करेंगे बट पहले लाइन चार्ट के थ्रू एक प्राइस का एक्शन को अच्छे से समझ लें ठीक है तो लाइन चार्ट के अलावा अपने को चार मूविंग एवरेज नजर आ रहा है जो yes. मैंने लास्ट क्लास uh, में आपको बताया था uh -huh. 21 55 100 और 200 राइट right. उस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल में क्या डिफरेंस है। yes. तो मैंने राइट okay. मैं right. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हुँ. लेकिन ये कैरेक्टर है हुँ. क्या नाम इस okay. है इस करेक्टर okay. का वॉल्यूम वॉल्यूम ओके मतलब है कि इस प्राइस पॉइंट पे कितने लोगों ने ट्रेड किया है ओके okay. ट्रेड किया है ठीक है? ट्रेडिंग ट्रेड किया है अब वो है, है? है, कि overnight है, mm -hmm. अगर overnight है, तो डिलीवरी में कन्वर्ट हो गया होगा okay. और इंट्रा डे है तो सेम डे बट दिस इज ट्रेड किया है इसी में से ही सर्टेन परसेंटेज डिलीवरी में कन्वर्ट होंगे mm -hmm. तो डिलीवरी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम देखेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग आपको नहीं मिलेगा वो आपको स्टॉकेज में मिलेगा ओके okay. ठीक है तो आज का वीडियो हम समर्पित करते हैं वॉल्यूम डिलीवरी और एक और कॉन्सेप्ट है ओपन इंटरेस्ट ओके जो कि डेरिवेटिव्स के लिए रेलिवेंट है mm -hmm. ये तीनों को इसको मैं त्रिमूर्ति बोलता हूं okay. ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है ओके okay. अगर आप ये तीनों को समझ लेते हैं और प्राइस एक्शन जो है वो अपने आप में गॉड है mm -hmm. अगर ये चारों को आप समझ लेते हैं तो मार्केट आपकी मुट्ठी में है ठीक hmm. है right. तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग एकदम ध्यान दीजिएगा और जितना क्वेश्चन आ रहा है वो आज ही पूछेगा ओके डोंट वेट फॉर क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो वॉल्यूम का क्या मतलब है कि किस प्राइस पे कितना ट्रेड हो रहा है बट mm प्राइस -hmm. एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है जैसे अगर इस प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये तो एंड ऑफ द डे प्राइस है क्लोजिंग right. प्राइस है right. जब हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं तब तो क्लोजिंग प्राइस आता है ना right. ये डेली चार्ट है

Okay. वो ये बता रहा है कि पूरे दिन भर में ओपन हाई लो क्लोज ये रहा है राइट right? right. और पूरे दिन भर का वॉल्यूम ये है तो okay. so, पूरे दिन भर में वॉल्यूम mm -hmm. तो मल्टीपल प्राइसेस पे होंगे राइट ओपन हाई लो क्लोज तो एक सिंबॉलिक प्राइस है बट mm -hmm. पूरा दिन भर ट्रेड तो मल्टीपल प्राइस पे होते हैं तो ऑल द ट्रेड्स एडिंग देयर वॉल्यूम विल गिव यू टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट कैंडल Okay. एक बार इस डेली कैंडल को मैं चेंज करके इसको मैं कर देता हूं वन मिनट वन आवरली तो ये क्या बता रहा है आपको ये बता रहा है कि पूरे घंटे का ओपन हाई लो क्लोज क्या है हुँ. और पूरे घंटे में कितना वॉल्यूम हुआ है ओके okay. एक बार इस घंटे को अपने कन्वर्ट कर देते हैं तीन मिनट में हुँ. तो ये क्या बता रहा है तीन मिनट का ओपन लो क्लोज ये है और तीन मिनट में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ये है ओके okay. हर okay, ट्रेड so का वॉल्यूम को ऐड कर दिया फॉर दैट पीरियड यहाँ तीन मिनट है ओके डेली okay? होगा तो पूरे दिन भर का वॉल्यूम ठीक है सो so, हर एक प्राइस पॉइंट पे जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसको क्यूमुलेटिवली ऐड करके वो right. को दे रहा है एब्सोल्युटली फॉर दैट पीरियड तो तीन मिनट है तो तीन मिनट में जितने भी ट्रेड्स हुए हैं वो जितने भी ट्रेड है उसका ओपन हाई लो क्लोज होगा क्योंकि right. हर कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज होता है hmm. और उसके बाद नीचे में उसका है वॉल्यूम विच इज क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल दी ट्रेड विच इज ओके ठीक है okay. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है uh, एक थ्योरी है मार्केट में जो मैं सबको बताता हूँ कि हर स्टॉक के अंदर में ऑपरेटर है ऑपरेटर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल द स्टॉक एब्सोल्युटली सो so, आप मेरे पुराने वीडियोज देखें ना <laughs> ये थ्योरी मैं बार बार सबको कम्युनिकेट करता हूँ कि हर स्टॉक के अंदर में ऑपरेटर है मतलब कुछ लोग हैं एक हो सकते हैं मल्टीपल हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जो उस पर्टिकुलर स्टॉक में बड़ा पोजिशन लेके बैठे और वो चाहते हैं कि वो स्टॉक एक पर्टिकुलर तरीके से चले ऑपरेटर का इंटेंट अगर जानना है समझना है तो वॉल्यूम सबसे पहला इंडिकेटर है क्योंकि ऑपरेटर मार्केट में अगर काम करेगा आके तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा वॉल्यूम में वॉल्यूम में। करें क्योंकि आएगा काम करेगा तो वॉल्यूम में दिख जाएगा ना वो जाए। तो अगर आप प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ ऑब्जर्व करें तो आपको ऑपरेटर का इंटेंट समझ में आ जाएगा जैसे एग्जांपल के रूप में ये प्राइस गिरा है क्योंकि लाल कैंडल है लाल कैंडल है क्यों मतलब क्लोजिंग इज लोअर देन ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल ओके okay? करेक्ट okay. right. लाल कैंडल है वॉल्यूम लाल लाल कैंडल वॉल्यूम लाल लाल कैंडल वॉल्यूम लाल जब जब कैंडल लाल बन रहा है hmm. तब तक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और लाल होता जा रहा है ओके okay. इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है सपोर्टेड बाय वॉल्यूम ओके इट ठीक है सेलिंग प्रेशर सपोर्टेड बाय वॉल्यूम बाइंग प्रेशर सपोर्टेड बाई वॉल्यूम तो टेक्निकल एनालिसिस में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि प्राइस बिहेवियर क्या वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है अगर बिना वॉल्यूम के प्राइस बिहेव कर रहा है इसका मतलब कहीं बेकूफ बनाने का काम हो रहा है ओके तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट देखोगे हमेशा यह याद रखना कि प्राइस का मूवमेंट के साथ में वॉल्यूम को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब आप अनुपूर्णा क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये वॉल्यूम में लाल और ग्रीन कैसे हुआ कैंडल्स को रेजोनेट कर रहे हैं। बेचना। काइंड ऑफ ट्राई कीजिए कि अगर ज्यादा बिका गए तो रेड है अगर ज्यादा खरीदा गया तो ग्रीन है एब्सोल्युटली। सो so, इसका मतलब इस वॉल्यूम के अंदर में ज्यादा बेचा गया है और इस वॉल्यूम के अंदर में ज्यादा लिया गया है अब ये डेटा हमको एक्सचेंज नहीं देता है Okay. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लोग कि बिड आस्क है बायर्स और सेलर्स ठीक है वो मैंने आपको टर्मिनल दिखाया था बिड आस्क बिड को अगर कोई बेच रहा है इसका मतलब कोई बेच रहा है आस्क को अगर ले रहा है इसका मतलब कोई ले रहा है uh -huh. तो जितना बार आस्क को लिया गया है उसका वॉल्यूम एड कर दो जितना बार बिड को बेचा गया उसका वॉल्यूम लेस कर दो अगर नेट में प्लस है तो उसका मतलब लिया गया मतलब ग्रीन है अगर नेट में माइनस है इसका मतलब बेचा गया मतलब रेड है ओके गॉट इट। सो ये ट्रेडिंग व्यू ने बहुत अच्छे से कर रखा है ये काम। ठीक है तो आपके लिए थोड़ा रिलेटिवली हो जाएगा इसको जब आप एसेस करोगे कि अगर प्राइस मूवमेंट इंपॉर्टेंट लाइन के नीचे गया है और साथ में लाल कैंड लाल वॉल्यूम्स भी हैं इसका मतलब ऑपरेटर डेफिनेटली एग्जिट कर रहा है ओके ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये हो गया तीन मिनट का चार्ट में एक बार वापस से डेली चार्ट में चलते हैं डेली चार्ट डेली चार्ट डेली चार्ट ये आ गया डेली चार्ट वापस से तो अब इसको अपने होलिस्टिकली एनालाइज करते हैं कि आप देखो जब जब ग्रीन कैंडल बना है तब तब बड़ा बड़ा कैंडल बना है और जब जब लाल कैंडल है तब तक छोटो छोटो कैंडल बना है इससे क्या समझ में आता है कि ऑपरेटर जब लेने आया है तो भर भर के ले गया, ले गया है और जब बेचा है कोई तो शायद कमजोर लोग बेचे ओके। मार्केट में या तो स्ट्रांग लोग हैं या कमजोर लोग हैं जब भी स्टॉक थोड़ा सा इक्कीस बाईस का मूवमेंट देता है तो कमजोर लोग डर जाते जल्दी और वो भागते और जो ऑपरेटर उसको वही मौका मिलता है कि वहां पे वो खड़ा होके जितना बटोर सकता है बटोर लेगा ओके okay. देखो ऑपरेटर और द बिग गाइस दे वांट लॉट ऑफ क्वान्टिटी व्हेन विल दे गेट द क्वांटिटी नॉर्मल मार्केट में अगर वो क्वांटिटी बाय करने आएंगे तो उनके बाय के कारण ही मार्केट में मूवमेंट हो जाएगा बहुत बड़ा hmm. तो वो उस प्राइस पॉइंट पे वेट करते हैं जहां पर सेलर्स बहुत आएंगे और वहां वो खरीद सके okay. या बायर्स बहुत आएंगे और वो वहां पर बेच सके ओके okay. ठीक है तो so, of, uh, एक करोड़ शेयर लेना तो एक बार में एक करोड़ शेयर नहीं लेंगे अगर वो दस भी शे ले रहे हैं दस ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिए तभी भी दस लाख अपने आप पर इतना बड़ा क्वांटिटी है कि छोटे लोग निकलते हैं तो ऑपरेटर वहां खरीद सकता है ओके okay. ठीक है तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक अगर आप प्राइस बिहेवियर को जज कर रहे हो तो हमेशा ये माइंड में रखो कोशिश करो प्रिडिक्ट करने का कि ऑपरेटर क्या कर रहा है आपने हर्षद मेहता देखा सीरियस है ना ऑपरेटर yes. yeah. ये तो नेगेटिव साइड ऑफ ऑपरेटर हो गया बट right. ऑपरेटर का मतलब नेगेटिव नहीं होता ऑपरेटर पॉजिटिव भी होता है okay. कोई भी जो स्टॉक को एक पर्टिकुलर वे में देखना चाहता है जिसने बड़ा पैसा लगा रखा मार्केट में उस स्टॉक में वो ऑपरेटर है hmm. बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ऑपरेटर हो सकते हैं hmm.

ये वॉल्यूम के अंदर में दो कॉम्पोनेट है इंट्रा डे वॉल्यूम और एंड ऑफ द डे वॉल्यूम सब इसी में ठीक है इंट्रा डे वॉल्यूम मतलब आज लिया और आज ही बेच दिया एंड ऑफ द डे मतलब आज लिया और रात को घर लेके गए कौन इंपॉर्टेंट है जो घर लेके जो घर लेके गए राइट right? अगर आप घर लेके जा रहे हैं पोजीशन तो आप रिस्क कैरी कर रहे हैं ना तो जो ज्यादा ले, रिस्क लेगा मतलब वो स्ट्रॉन्गर पार्टी है राइट right? तो डिलीवरी डेटा एक्चुअली दाइट पोजिशन विच दी ऑपरेटर और एनी वन इज थे आपको डिलीवरी डेटा नहीं मिलेगा स्टॉकेज में मिलेगा तो कोई भी स्टॉक में चलते जैसे रिलायंस ही है तो अपने यहां सर्च कर लेते हैं रिलायंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर ध्यान दीजिएगा देखो डिलीवरी ऐसा टॉपिक है जो कि हर कोई बताता नहीं है कवर नहीं करता है और मुझे लगा ये अभी से ही आप अनुपूर्ण देखना चालू करोगे ना एक हैबिट का पार्ट हो जाएगा और स्टॉकेज ही एकमात्र ऐसा यूनिक टूल है जो डिलीवरी पे इतना फोकस करता है okay. ठीक है आप देखो ये डिलीवरी ग्राफी क्या नजर आ रहा है आपको ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें लाइट ब्लू कलर है और डार्क ब्लू कलर है hmm. क्या है अनुपुना ये सो डार्क ब्लू इज द डिलीवर्ड क्वांटिटी जो घर yes. लेके गए हैं यस yes. और लाइट ब्लू इज द टोटल वॉल्यूम राइट आप देखो अनुपुना यहां पर एक ऑप्शन है बीएससी एनएससी और बोथ हमने डाला ये बोथ मतलब दोनों एक्सचेंज मिला के अच्छा ऐसा हो सकता है कि आप एन का देख रहे हैं और कोई बी में डिलीवरी ले गया आपसे मिस हो जाएगा तो हमने क्या किया दोनों ऐड ही कर दिया आप देखो जब भी डिलीवरी डेटा देखो बोथ देखो तो अगर आप इसमें क्लिक करोगे डेटा में तो यहां पर आपको डेटा भी नजर आएगा तो रिलायंस के अंदर में उन्नीस मार्च को पंचानबे लाख डिलीवरी का काम हुआ है ट्रेड हुआ था दो करोड़ और वेटेड एवरेज प्राइस है 2046 अनुपमा विवप क्या हुआ सर so, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस फैंटास्टिक वेरी गुड इसका कॉम्प्रिहेंशन बताओ इसका महीने क्या है विवप का सर so, uh, जो वेटेड एवरेज प्राइस है उसका जो वॉल्यूम है वो ऑल द ट्रेड्स ओके तो वेटेड एवरेज अपने लोगों ने एवरेज सीखा एवरेज वेटेड एवरेज तो अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज है इसका मतलब प्राइस वेट्स वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं तो अगर सिंपल एवरेज निकालोगे तो सारा प्राइस का एवरेज निकाल लो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वेट इज द वॉल्यूम प्राइस वेट प्राइस वेट प्राइस वेट करके फाइनली जो तुम्हारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो यहां पर दिखा दिखाओ okay. इसका मतलब है कि पूरे दिन भर में ये स्टॉक का जीरो है 2046.78 आप एज्यूम कर सकते हैं कि ऑपरेटर ने इस स्टॉक को अराउंड इस प्राइस पे या तो लिया है या बेचा है okay. Got it. समझ पा रहे हो ना ठीक <laughs> है डिलीवरी <laughs> डेटा के हिसाब से इसमें डिलीवरी ज्यादा हुई है कैसे बता रहा हूं ज्यादा हुई है देखो ना ग्राफिकली दिख रहा है ना right. इस दिन ज्यादा हुआ है आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आप पर आपको समझ में आ रही है कि पिछले कुछ दिनों के साथ में अगर कल को कंपेयर करूं तो एक अच्छा खासा डिलीवरी का काम हुआ है 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 ठीक तो ये डिलीवरी हुई है, अब बेचा गया है कि लिया गया ये कैसे पता लगे थ्रू द रेड एंड ग्रीन टावर एग्जैक्टली फैंटास्टिक तो इसके लिए आपको इंट्राडे चार्ट देखना पड़ेगा बिकॉज दिन में अभी देखो यहां क्या हो रहा है प्राइस यहां दिखाया मैंने 3.6 परसेंट प्राइस बढ़ा है हुँ. ये एंड ऑफ द डे बेसिस पे है 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 ओके आप तो तो इसको देख के बोल दोगे कि इसमें तो किसी ने लिया है. ठीक है? हाँ. लेकिन एंड ऑफ द डे प्राइस को देख के आप ये जज मत कीजिए कि, कि किसी ने लिया है कि किसी ने बेचा है आप इंट्रा डे प्राइस मूवमेंट विथ वॉल्यूम को देखिए इंट्रा डे में आप आ, जरूरी नहीं है कि आप 10 मिनट का या 5 मिनट का देखें अगर आप 15 मिनट का भी चार्ट देख लेंगे ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी ने लिया है कि किसी ने बेचा है अब अपने देखते हैं अगर ये कौन सी डेट का दिस इज उन्नीस मार्च को अगर हम चलें तो उन्नीस मार्च को देखो ये पंद्रह मिनट के कैंडल्स है ठीक है ना तो 19 मार्च को अपन लोग ने देखा कि ये प्राइस खुला ये ये पूरा जोन है 19 मार्च का है ना तो ये खुला यहाँ पे हल्का सा वॉल्यूम हुआ है उस जब खुला जब भी प्राइस खुलता है तो दो हाथियों में लड़ाई होती है तो उस समय वॉल्यूम होगा ही ज़्यादा बिकॉज हर तरह के लोग उस ओपनिंग प्राइस में कुछ कर रहे हैं तो पहला पंद्रह मिनट का कैंडल हमेशा वियर्ड कैंडल होगा ठीक है उसके बाद देखो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम हल्का हल्का ज़्यादा है वॉल्यूम हल्का हल्का इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ मैं आ, भर रहा है घट रहा है वहीं खड़ा वहीं खड़ा और टुअर्ड्स द एंड देखो ओ माय गॉड कितना बड़ा टावर है ये वॉल्यूम का। बढ़ा, right. बढ़ा और उसके बाद वाला लाल। मतलब यहां से जब आए, तो देखो कितना बड़ा वॉल्यूम से बिकवाली आई hmm. तीन पंद्रह का कैंडल है ये तो एक कैंडल में बाइंग आई दूसरे कैंडल में सेलिंग आ गई ओवरऑल मैं बोलूं पूरा दिन भर में जब प्राइस बढ़ा है तो उसके अंदर में कोई लिया है कि कोई बेचा है मोस्ट लाइकली लिया है बिकॉज़ हर बार पूरे दिन भर में ग्रीन कैंडल ही था राइट right. तो एग्री कर रहे हो कि ऑपरेटर ने लिया है रिलायंस हाँ. को तो उस दिन रिलायंस का ऑपरेटर ने लिया है अच्छा खासा डिलीवरी भी बढ़ा है और एवरेज प्राइस लेने का है 2086 सर so, एक बार उस चार्ट में चले या या बट सर so, अगर इतना सारा लिया एंड इतना एक बार में बेच दिया हाँ। तो तो बहुत uh... कहाँ बेचा इतना ही तो बेचा है और यहाँ लिया भी तो था ग्रीन कैंडल और ये इतने सारे भी तो लिए थे तो अगर समेशन इन सब का निकालेंगे इट विल बी फार हायर देन दिस फॉल ओके सो दीस आर ऑल आवर बेस्ट एस्टिमेट्स राइट कि मोटा-मोटी देख के लग रहा है कि किसी ने लिया है हम ठीक है और डिलीवरी भी देख के लग रहा है कि किसी ने एंड ऑफ द डे डिलीवरी लिया है इसका मतलब रिलायंस के अंदर में कोई तेजी खेलना चाह रहा है hmm. इतना ही जजमेंट बनाना अपने को okay. और क्या प्राइस पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है दो ठीक hmm. है अब एक काम अपने को करना अनुपूर्णा एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करनी है किस प्राइस को डबल क्लिक करो और यहां पर इसका प्राइस पॉइंट कर दो हजार क्योंकि वही वीवैप था ना उस दिन का राइट right. तो मैंने डाल दिया अब ये दो का उस दिन का विवैप है ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया क्यों क्योंकि अगर इस प्राइस पे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है तो ऑपरेटर exactly. का इंटरेस्ट है कि इस पे वो ले. लेकिन अगर ये के नीचे जाने लग जाएगा तो ऑपरेटर क्या करेगा सल्टाओके okay. बेचो पोजिशन स्क्वायर अप करो तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहां से या तो ऊपर रहेगा या तो यहां से नीचे रहेगा तो आपको ऐसे मार्क कर लेना है जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जब जब ऑपरेटर ने कोई बड़ा काम किया है जैसे इस दिन बड़ा काम इस दिन बड़ा काम जिस जिस दिन तुमको लग रहा है विजिबली कि बड़ा काम हुआ है उस दिन का प्राइस को एक स्ट्रेट लाइन बना के यहां पर आप मार्क कर लो ओके okay. okay. ओके आपका सपोर्ट हो सकता है वो आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है तो ये बात हो गई वॉल्यूम की और डिलीवरी डेटा की कॉन्सेप्ट oh. क्लियर है yeah. कुछ डाउट so, है तो अभी पूछ लो सर एक डाउट है कि uh, जो अगर उस चार्ट पे अपने चार्ट इस पे ठीक है, है हाँ ठीक है सो so, uh, जैसे uh, अभी वी हैव सिंपल एवरेज ठीक है मूविंग एवरेज देन वॉल्यूम डिलीवरी तो जब अपने सारा मैप कर लेते hmm. हैं तो उसके बाद हाउ डू आई डिसाइड कौन से प्राइस सारा तो अभी तो हुआ ही नहीं है <laughs> तेरह नंबर सेशन है ये मैं हर सेशन में पता आपके लिए एक टेम्पलेट डिजाइन कर रहा हूँ okay. सारे कॉम्पोनें में आपका एक टेम्पलेट बना के आपको देने वाला हूँ कि अन्पूर्णा ये लीजिए आपके लिए रेडीमेड टेम्पलेट अब आप केक रेडी आप खा लीजिए ठीक है ठीक है तो अभी कंक्लूसिव उसमें नहीं जाता अच्छा। है बट आप कॉम्पोनेट समझ गए ना मूविंग एवरेज मैंने डलवाया है इसका एक रीजन है वॉल्यूम मैंने डलवाया है इसका रीजन है डिलीवरी में चाहता हूं आप देखें इसका एक रीजन है ओके ठीक है आप जब स्टॉकेज में जाएंगे ना क्योंकि आपने स्टॉकेज का प्रीमियम ले रखा है तो वहां पर एक एच चार्ट बोल के फीचर है इस एच चार्ट के अंदर में हमने मूविंग एवरेजेस भी डाल दिए वॉल्यूम भी डाल दिया और डिलीवरी भी डाल दिया है तो अगर आप देखो यहां जाओगे आप इसमें तो ऐड करोगे तो यहां आप सारे मूविंग एवरेजेस भी डाल सकते हो ऐड कर सकते हो और डिलीवरी भी ऐड कर सकते हो हमने एक बड़ा यूनिक फीचर दे दिया इसमें डिलीवरी एंड ट्रेडेड वॉल्यूम अब आप इसको सेव कर लो स्टेप्लेट को तो देखो यहां पर मूविंग एवरेजेस भी आ गए और डिलीवरी भी यहीं पर ही आ गया चार्ट में ट्रेडिंग व्यू में आपको डिलीवरी नहीं मिलेगा डिलीवरी हमारे यहां आपको देखना पड़ेगा तो या तो हमारे यहाँ का चार्ट देख लीजिए विथ एवरी तो डेटा पॉइंट या ट्रेडिंग व्यू में आप चार्ट देख लीजिए बेटर है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इसमें कोई डाउट नहीं है और हमारे यहाँ पर डिलीवरी डेटा देख लीजिए वट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल ठीक है कोई और स्टॉक लेते हैं अनुपूर्ण तुम्हारे स्टॉक्स का लिस्ट तुमने मुझे बताया था कि ये तुम्हारे स्टॉक्स है सारे जो तुम ट्रैक कर रही हो अभी ना रिलायंस एस जी एफ सी आई सी आई सी मारूती हिंदुस्तान चलो इनमें से कोई स्टॉक एक uh, uh, मुझे पता लगा कि आप गोवा घूम के आए आएंगे yes, <laughs> और इंडिगो में आप ट्रेवल किए हैं राइट right. चलिए hmm. इंडिगो ही देखते हैं कि यार इस स्टॉक के अंदर में क्या हो रहा है इंडिगो में क्या चल रहा है पुनः आप देखो प्राइस ये जब बढ़ा था ये पंद्रह मिनट का चार्ट है इसको एक बार डेली में कन्वर्ट कर लें ये डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो इंडिगो में प्राइस यहां पे जब बढ़ा था तो वॉल्यूम हुआ था ग्रीन कैंडल हल्का सा करेक्शन आया उसके बाद अभी वापस से ग्रीन कैंडल बना है और ये अपना चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसका मतलब इसमें बाइंग प्रोपेंसिटी है हुँ. एक बार डिलीवरी भी देख लिया इसका इंडिगो का तो सर्च करते इंडिगो क्योंकि आप जाके आई हैं तो आपने भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है राइट डिलीवरी डेटा देखते हैं देखिए ये इस दिन ना डिलीवरी अच्छा हुआ है हुँ. है ना हुँ. उस दिन का विवेप क्या है सत्रह सो एक राइट right. तो मुझे क्या करना है ना मुझे कुछ नहीं करना मुझे hmm. सिंपल सा एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है सत्रह सो एक पे यहाँ टाइप कर देना बस सत्रह सो पे एक लाइन आ गया है hmm. अब ये तुम्हारे लिए प्राइस पॉइंट है जिसमें तुमने एजम्पन कर लिया है कि ऑपरेटर ने या तो एंट्री मारी है या एग्जिट मारा है और ये प्राइस मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है hmm. सर इसका कुछ पैरामीटर शुड आई डिसाइड कि अगर जो डिलीवरी है वो पचास परसेंट से ज्यादा है इन द वॉल्यूम ट्रेडेड मत करो ओके okay. हमने इस यही क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपके लिए विजिबल दे दिया है आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है hmm. देख के क्या समझ में आ रहा है कौन सा दिन समझ में आ रहा है ये hmm. ये yeah. ये जिस जिस दिन ज्यादा डिलीवरी हो रहा है वो दिन हमारे लिए रिलेवेंट है बट जो थर्ड uh, मार्च है yeah. उस दिन uh, ट्रेडेड वॉल्यूम ज्यादा नहीं है सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट है न पूना सर वॉल्यूम इतना ज्यादा है और डिलीवरी खाली 31% है वॉल्यूम का लेकिन बाकी दिन देखेंगे तो वॉल्यूम कम है और डिलीवरी भी ज्यादा है 50% है तो यस यू आर करेक्ट कि जिस दिन डिलीवरी ज्यादा है और एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम भी ज्यादा है वो दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay. तो मेरे लिए ये दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए दिन है क्योंकि उस दिन परसेंटेज भी ज्यादा है और डिलीवर का क्वांटिटी भी ज्यादा है ओके okay. तो उस दिन का विवाद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा स्टॉक में तो अभी अपने लेवल्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मैंने बोना अभी आप डोंट गेट एक्साइटेड कि सर मैं तो अब इंडिगो पे जजमेंट पास करने वाली हूं कि ये तो तेज हो जाएगा वी आर स्टिल अ फार अवे फ्रॉम दैट बट एटलीस्ट हमने एक प्रोसेस के दौरान टिपिकली ऑपरेटर क्या कर रहा है उसका एक वाइज जजमेंट बना लिया है और लेवल भी निकाल लिया उससे कि अल्टीमेटली ऑपरेटर तो अपना को प्रोटेक्ट करेगा गिरने नहीं देगा प्राइस को नीचे नहीं तो उसके लॉसेस होंगे और मूविंग एवरेज हमको ब्रॉडर ट्रेंड बताता है स्टॉक का कि ये तेजी का घोड़ा है कि कमजोरी का घोड़ा है एक स्टॉक लेते हैं हिंदुस्तान लिवल सर एक हाँ बोलो सर इसमें सिर्फ एक ही प्राइस पॉइंट मैप करू फॉर द डिलीवरी की जो और भी मुझे लग रही है और भी, भी लग रहा है तो आपको डेली बेसिस पे अपने स्टॉक्स का स्टॉकेज के अंदर में एंड ऑफ द डे डिलीवरी देखना है और फिर जिस दिन आउटलायर रहेगा उस दिन जाके ट्रेडिंग व्यू में, में लाइन ड्रा कर लेनी है ओके okay. कई बार क्या होंगी कि आप रेगुलरली जब ये करोगे ना कुछ प्राइस पॉइंट्स होंगे जिन पे रेगुलरली वो लाइन ड्रा होगी ओके okay. तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये ऑपरेटर तो बार बार यहाँ आता बार बार लेता है बार बार लेता है वो बन जाएगा मेजर डिमांड जोन तो एक प्राइस पॉइंट पे जब मल्टीपल पैरामीटर्स कन्वर्ज करते हैं तो उस प्राइस पॉइंट को डिफेंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो ये क्या करते 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 अनुपूर्णा आपको समझ में आ जाएगा और क्योंकि आप दस स्टॉक्स में फोकस करोगे ना तो आपको दस स्टॉक्स का बिहेवियर का एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बिकॉज एवरी स्टॉक इज हैंडल्ड बाई अ यूनिक सेट ऑफ ऑपरेटर तो आपको वो ऑपरेटर का चाल चलन भी पता लग जाएगा नेक्स्ट टाइम कुछ स्टॉक में होगा आप बोलोगे अरे ऑपरेटर चालू हो गया वापस से जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ये स्टॉक बढ़ा था हुँ। कल हुँ। आज हम लोग बाईस uh, मार्च को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्नीस मार्च था फ्राइडे कितना तेज बढ़ा था सारा मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ एक बार डिलीवरी भी देख लेते हैं अनुपना जी हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिलीवरी क्या बोलता है अपने को हो अच्छा खासा वॉल्यूम पैंसठ परसेंट वॉल्यूम का डिलीवरी भी है और डिलीवरी का क्वांटिटी भी अच्छा है आप देखो ऑन एन एवरेज ये साठ पैंसठ सत्तर तक रहता है तो इसका मतलब एवरेज में डिलीवरी अच्छा हुआ है क्वांटिटी टर्म्स में अच्छा खासा हुआ है तो ये स्टॉक हमारे रडार में आ गया इसका विवाद देख लेते अनुपुना टू टू सेवन एट पॉइंट सिक्स सेवन करना क्या है कुछ नहीं करना सिंपल सा लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका भाव चेंज कर देना टू टू क्या था Seven, eight. तुँटु, तुँटु, सेवन एट टू टू सेवन एट तो आप इसका हाई ये मैंने बताया था ना कि जब हाई टूटे तो ब्रेकआउट है ये मैंने बताया अभी तक yes. आपको तो या तो ये हाई टूटेगा तो ब्रेकआउट है या ये सब लेवल्स के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर में बाइंग प्रोपेंसिटी है तो आप कॉन्फिडेंटली बाई कर सकते हैं ये डेली चार्ट है एक बार इसको डेली चार्ट को हटा के टू आवरली चार्ट करते हैं क्योंकि आपको तो आपको इंडिकेशन देता है करे। दूसरा टू आवरली चार्ट को ऑपरेटर इजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकता आधा घंटा का चार्ट मैं क्या मैनिपुलेट करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए अगर वो दस करोड़ रुपया लेके आएगा तो आराम से मैनिपुलेट कर लेगा बट दो आवरली चार्ट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होते हैं ना तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए उतना ही पैसा चाहिए जो कि छोटा मोटा ऑपरेटर नहीं कर पाएगा उसके लिए बड़ा ऑपरेटर चाहिए okay. समझे तो ये देखो ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर चल रहा है तो देखो तेजी का मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है इसमें। तो ब्रेकआउट दे रहे आप भी मार्केट का लैंग्वेज बोलने लग गया रुकना जी ब्रेकआउट दे दिया इसने बहुत अच्छी बात है तो हमने क्या सीखा आज हमने वॉल्यूम के बारे में पूरा सीख लिया देखिए वॉल्यूम में बहुत सारे स्टडीज़ हैं मैंने आपको इतना सिंपल स्टडी बताया है बट इसमें वॉल्यूम को भी तोड़ तोड़ के बताने के कई सारे स्टडीज़ हैं वो मैं आपको और बताऊंगा बाद में अपने को बहुत सेशन रिकॉर्ड करने अपने तेरव में पहुँचे अपने को तकरीबन पचास सेशन रिकॉर्ड करने इसके अंदर में और आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ यस सर और दोस्तों आप लोग शेयर कर रहे हैं देखिए अगर आप शेयर नहीं करेंगे ये सीरीज़ तो मेरे लिए चिटिंग है आपकी तरफ से आपको शेयर तो करना पड़ेगा बिकॉज इतना मेहनत कर रहे हैं तो बनता तो है शेयर करना और लाइक भी कर लीजिएगा इस वीडियो को एनी आगे बढ़ते हैं अनुपूर्णा तीसरा टॉपिक है इसी का एक जो त्रिमूर्ति मैंने बताया था ना वो है ओपन इंटरेस्ट ठीक है मुझे लग रहा है लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट पे ना समय और बिताना पड़ेगा ओके okay. मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सो वॉल्यूम कैश मार्केट पर भी होता है डेरिवेटिव्स में भी होता है करेक्ट डिलीवरी कैश मार्केट में होता है डेरिवेटिव्स में डिलीवरी नहीं होती जनरली uh, अगर कोई ट्रेडिंग कर भी रहा है तो वो डिलीवरी वाले दिन एक्सपायरी में डिलीवरी कन्वर्ट होता है लेकिन उसके पहले वो पोजिशन क्वारप कर देता है बिकॉज ऑपरेटर का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो डिलीवरी ले ठीक है जो डेरवेटिव में काम करते हैं तो डेरेवेटिव में जो भी पोजिशन ऑपरेटर लेता है वो कहाँ दिखेगा वो ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा ओके okay. तो ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ कि अगर मैं रिलायंस का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा हूँ तो मेरे को कैसे पता लगेगा वॉल्यूम से मुझे पता लगेगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई कर रहा है बट वॉल्यूम के बाद वो एंड ऑफ द डे कितना पोजिशन रह गया वो कैसे पता लगेगा बिकॉज में डिलीवरी तो होता नहीं है hmm. वो पता लगेगा ओपन इंटरेस्ट से ओके ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में डीपली बताऊंगा कि क्या होता है ओपन इंटरेस्ट कैसे अपने मेजर करते हैं उससे क्या जज कर सकते हैं और ये तीनों त्रिमूर्ति को अगर आप कंबाइन करोगे वॉल्यूम डिलीवरी और ओपन इंटरेस्ट आपको एक अच्छा ऑपरेटर का पोजीशन का अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा और प्राइस तो हमको देखना ही है क्योंकि प्राइस तो भगवान भगवान है, है।, है। हाँ, तो भगवान से तो मिलना ही है लेकिन ये तीनों जो है ये वो भगवान तक आपको लेके जाएंगे क्योंकि बड़े बड़े लोग मंदिर में जाते हैं पैसा चढ़ावा करते हैं तो आपको तो वो बड़े लोगों को फॉलो करना है ना तो है तेरह सेशन हो चुके हैं आज एक और हो गया। ट्रेडिंग को लेके अब आपका फील कैसा आ रहा है? सर ट्रेडिंग इज ट्रिकी। ओके। इट इज वेरी ट्रिकी क्योंकि मैंने जैसे एच डी एफ सी बैंक में शायद मैंने सोचा डाल के देखती हूँ और जिस दिन मैंने डाला उसी दिन सो <laughs> <So, laughs> देखो अब एच डी एफ सी बैंक में आपने डाला है राइट right. तो वेरी गुड इसी को एग्जाम्पल देते हैं What is Is the objective of that trade? it it for 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 a a a shorter tenure or mm -hmm. for a longer tenure? or longer I wanted to put ज दैट Shorter tenure. इट फॉर अटेन मतलब दिन, दस दिन, hmm. दिन, तो वो shorter tenure के लिए दो घंटे का चार्ज अच्छा है ठीक hmm. है अब आप देखो आपने जब लिया उसके बाद ये गिरा है hmm. और अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे चला गया है hmm. तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए? चाहिए आप बेचेंगे तो है नहीं लेते यही प्रॉब्लम है <laughs> जब आप डिसाइड कर लिए थे कि शॉर्टर टेनो का ट्रेड है और वो आपके मॉडल के अगेंस्ट चला गया है तो लॉस बुक करिए hmm. लॉस बुक करना नहीं सीखोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा hmm. समझदार ट्रेडर का सबसे बड़ा निशानी यही है लेकिन हम लोग क्या करेंगे रिटेल इन्वेस्टर जो सब कोई करते हैं अरे आ जाएगा वापस क्यों मन कर रहा ना किस प्राइस पे लिया, था? यहां लिया हुआ था यहाँ लिया हुआ होगा आपका पंद्रह इस टाइप तो वहीं से गिरना चाहिए हाँ। अगर गिर गया है और आपका टेन्योर के अगेंस्ट चला गया है तो उसको बुक कर लेना चाहिए और फिर वापस घुसने का तैयारी करना चाहिए कब जब वो नया ब्रेकआउट देगा तब ओके ठीक है सो ट्रेडिंग इज ट्रिकी बट इट्स अ यूनिक साइंस एवरी साइंस इज अ ट्रिकी तो विराट कोहली से पूछो क्रिकेट ट्रिकी है क्या बोलेगा अरे ट्रिकी तो है ऐसे ही कोई ना विराट कोहली बन जाएगा कोई महेंद्र सिंह धोनी बन जाएगा कोई भी स्विमर से पूछो Every skill has a unique thing which you have to understand. Hmm. And it takes over a period of time, it comes inside you. Hmm. Right? Hmm. But do you want to become a trader now? Yes. Are you finding it exciting enough that yes, you can involve yourself in this? Uh, not necessarily a full-time trader, but could be a part-time trader. Hmm. Do you think you can do it? Yes, I can think it. I can. Very good. So yes. objective so, that at least concept. इंट्रोडक्शन हो गया आपको एक बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस दे दिया बाकी आई एम गारंटिंग यू दैट पूरा पचास सेशन के बाद में यू विल नॉट लूज मनी इन एच डी एफ सी बैंक फॉर श्योर टेम्पलेट बी रेडी अभी तक हमारा वो टेम्पलेट रेडी नहीं हुआ है अभी भी हम एक एक कॉम्पोनेंट ऑफ टेम्पलेट पे लगे हुए हैं उनको समझ रहे हैं उनका रिलिवेंस डिफाइन कर रहे हैं और फिर अपना टेम्पलेट को डिजाइन कर रहे हैं बट नो प्रॉब्लम छोटा छोटा पैसा से करते रहो पैसा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में मार्केट की गुरु दक्षिणा है ओपन right. है इंटरेस्ट right, <laughs> so का, और का मैं वीडियो वो भी, तो भी देखिएगा और ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है अनुपूर्णा का क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अनुपूर्णा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में देखे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उस क्वेश्चन को भी लेंगे हम एक लाइव सेशन करेंगे प्रॉब्ली सम डे जहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो जाए और हम लोग साथ में मिलकर लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना करियर बना पाए थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए बाय बाय